हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज थर्मल इफेक्ट या उष्मीय प्रभाव पर आधारित इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाएगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंट जो आपके उपयंत्र हैं कई सारे टाइप के हैं, जैसे मूविंग आयरन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन आपको आज बताया जाएगा थर्मल इफेक्ट पर आधारित इंस्ट्रूमेंट। तो आपकी थर्मल इफेक्ट पर आधारित इंस्ट्रूमेंट दो हैं, एक है हार्ट वायर टाइप और दूसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहला आपका है हार्ट वायर टाइप, दूसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो आज हम आपको बताएंगे हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि यह इंस्ट्रूमेंट कैसे कार्य करता है, स्ट्रे फील्ड पर इसका क्या प्रभाव है, ये इस पे फ्रिक्वेंसी का क्या प्रभाव है, इसका जो स्केल होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक। तो सब सारे डिटेल इसके बारे में बताएंगे आज हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पहले तो देख लीजिए, देखिए इसका फंक्शन क्या है। हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो फंक्शन है वह है ये, इस हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का फिगर देख रहे हैं। इसमें यह आपका है पॉइंटर, यही पॉइंटर है और यह हार्ट वायर है, गर्म तार जिसका नाम लिया जा रहा है, यही हार्ट वायर है, ठीक। और देख रहे टेंशन एडजस्टेड, यह आपका है टेंशन एडजस्टेड, इसी से हम तनाव को एडजस्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद ये आपका ये जो हम पार्ट देख रहे हैं, ये आपका ये वाला पार्ट फास्फर ब्रांच वायर है, फास्फर ब्रांच का जो ये आपका वायर है, ठीक है। इसके बाद यही से हमारा पॉइंटर कनेक्ट है और इसी में हमारी एक देख रहे हैं नीली कलर की, ये आपकी पुली है। पुली हमारा किससे कनेक्ट है, पॉइंटर से कनेक्ट है, ठीक। और इसके बाद इसमें डैम्पिंग मैग्नेट का प्रयोग किया गया है, डैम्पिंग मैग्नेट, ये आपकी पुली है। और यहाँ पे लगाया गया है स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग लगाया गया है। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब हम आपको पता है फार्मूला एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, तो एच प्रपोर्शनल आई स्क्वायर, अर्थात जब धारा का मान बढ़ेगा तो हीट का भी मान बढ़ जाएगा, लेकिन ये आपके वर्क के अनुपाती है। अब जब इस तार में करंट फ्लो होगी, तो करंट जब फ्लो होगी तो तार का जो हीट, तार हीट होगा, और जब आपका यह तार हीट होगा तो ये जो हॉट वायर है यह जब गर्म हो जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपके सैग आ जाएगा। सैग का मतलब इसमें यह आपका तार की लंबाई बढ़ जाएगी, तो तार की लंबाई बढ़ जाने के बाद, ठीक, तो तार की जब लंबाई बढ़ जाती है तो देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी है इस चीज़ की, फास्फर ब्रांच वायर की, फास्फर ब्रांच वायर देख रहे हैं, ये चीज़ है, फास्फर ब्रांच है। अब यह इसको क्या करेगा, अब चूंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स के साथ लगी होती है, तो जब यह आपका आपके हार्ट वायर में सैग या झोल आएगा, अर्थात तार गर्म हो जाएगा और गर्म हो के तार आपका लूज हो जाएगा, ठीक। तो जब लूज हो जाएगा तो यह हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अब यहाँ पे स्प्रिंग, इसको इसमें पुली लगी है, ठीक, पुली के माध्यम से यह मूव करेगा। अब स्प्रिंग इसको खींच लेगी, यहाँ से आपका एक खींच जाएगा, या आपका तार नीचे की तरफ खींच जाएगा, और जब नीचे की तरफ आपका खींच जाएगा तो डैम्पिंग मैग्नेट लगा हुआ है, उसके बाद यह पॉइंटर भी अपने स्थान से क्या करेगा, पॉइंटर भी अपने स्थान से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो पॉइंटर अपने स्थान से कब शिफ्ट होगा, जब हम इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे और इस तार में सैग आ जाएगा, सैग आने की वजह से यह आपका फास्फर ब्रांच वायर है, फास्फर ब्रांच वायर इसको खींचेगा नीचे की तरफ, और स्प्रिंग चूंकि आपको पता है जो है एक टीडी होता है जो डिफ्लेक्टिंग टार, और एक आपका कंट्रोलिंग टार टीसी है,
ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसको फिर खींच लेगा, फिर यहाँ पे जब जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पे आपका पॉइंटर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल लगा हुआ है, कंट्रोलिंग यहाँ पे किससे की जा रही है, स्प्रिंग से। ठीक, ये आपका थ्रेड है, उसमें धागा लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आपको मिला क्या कि यहाँ पे आपका जो थीटा प्रोपोर्शनल है वो थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, चूंकि थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण क्या है, टी डी, टी डी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर और टी सी प्रोपोर्शनल थीटा। तो आपको बताया गया कि जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे आपके पॉइंटर आपका रुक जाएगा, तो जब पॉइंटर आपका रुक जाएगा, चलिए दूसरे पेज पे आते, तो पॉइंटर जब आपका रुक जाएगा तो देखिए टी डी बराबर टी सी, तो टी डी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो आपके आई स्क्वायर से हो रहा है, क्योंकि एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे टी सी प्रोपोर्शनल थीटा होता है, तो अब थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि टी डी बराबर टी सी, टी डी बराबर टी सी होता है। ठीक, जब टी डी बराबर टी सी हो गया तो अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे थीटा आपके डिफ्लेक्शन आ गया, तो अब यहाँ पे स्केल, आप पहला तो पॉइंट यहाँ से आपको क्या मिल गया, पहला आपका पॉइंट मिल गया जो हमारा इस इंस्ट्रूमेंट में, हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा स्केल होगा या पैमाना वह कैसा हो जाएगा, असमरूप पैमाना, असमरूप पैमाना हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें मिला कि थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, तो थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर का मतलब हो गया अब हमारा पैमाना जो है हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का वह हमारा कैसा है, असमरूप है। अब असमरूप का मतलब, जैसे असमरूप का मतलब शुरू में आपका पैमाना है जो है उसके खानों के बीच की दूरी कम होगी, शुरू में पैमानों के खानों के बीच की दूरी कम होगी लेकिन बाद में खानों के बीच की दूरी आपके बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही आपका होता है असमरूप पैमाना। असमरूप पैमाने में शुरू में खानों के बीच की दूरी कम और बाद में खानों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है। दूसरा, यह इंस्ट्रूमेंट आपके, यह जो इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी, दूसरा पॉइंट है, यह एसी और डीसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यह इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यह आपके स्ट्रे फील्ड, स्ट्रे फील्ड से अप्रभावित होता है, स्ट्रे फील्ड से अप्रभावित होता है, मतलब कि इस पर स्ट्रे फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पहुंचता है, विपथित, इसको हिंदी में बोलते हैं विपथित क्षेत्र, विपथित क्षेत्र। अब हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं स्ट्रे फील्ड क्या होता है, जो स्ट्रे फील्ड का मतलब होता है बाह्य जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पर नहीं पड़ता है। हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पे जो बाहरी आपके चुंबकीय क्षेत्र हैं इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इसको स्ट्रे फील्ड से बचाने के लिए आप करते क्या है, आयरन का बॉक्स बनाते, बॉक्स के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपका हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट पर विपथित क्षेत्र स्ट्रे फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक,
और इसकी रीडिंग नेक्स्ट पॉइंट इसका है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है, रीडिंग रीडिंग जो है आपके फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से आवृत्ति से अप्रभावित होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसकी रीडिंग पर। दूसरा, रीडिंग से रीडिंग पर वेव फार्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए वेव फार्म का मतलब क्या होता है, जैसे वेव फार्म का मतलब, जैसे वेव फार्म आपके बहुत सारे वेव फार्म होते हैं, ये आपका साइनोसोइडल वेव फार्म है, ये आपका ट्रायंगुलर वेव फार्म है, ठीक। तो इस हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होती है, वह रीडिंग आपके वेव फार्म से अनइफेक्टेड होती है, वेव फार्म पर से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बाद, लेकिन यह आपका इंस्ट्रूमेंट इसमें है, तीसरा इसका पॉइंट है, यह इंस्ट्रूमेंट नाजुक, बहुत नाजुक होता है। यह उपयंत्र बहुत नाजुक होता है, ठीक है, यह इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत नाजुक होता है। और यह तीसरा आपका नेक्स्ट पॉइंट चौथा है, यह उपयंत्र उच्च पावर की खपत करता है, अपेक्षाकृत मूविंग क्वाइल टाइप मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा, यह उपयंत्र उच्च पावर की खपत करता है किसकी अपेक्षा, मूविंग क्वाइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा, ठीक। यही इसकी आपकी कमियां हैं। और इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को आपको पहले ही बता दिए हैं कि यह इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका यूज हम एमीटर के लिए भी कर सकते हैं और वोल्ट मीटर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।